Hey guys, welcome back to my channel. तो आज आप मुझे देख रहे होंगे लाल लाल तैयार हुए हुए और ये मैंने आज साड़ी पहनी हुई है. तो अभी नीचे सैंडल चेंज करनी है तो घर की स्लीपर पहनी हुई है. तो आज हम कहीं जा रहे हैं और आज बहुत स्पेशल डे है हम सबके लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं जहाँ हम जा रहे हैं. हम मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे जो गया है एक्चुअली में वो बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करे जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए वो जानने के लिए आपको इस ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो स्टे ट्यून. और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? वैसे मैंने कुछ खास मेकअप में लगाया नहीं है, लाइनर और लिपस्टिक लगाई है. ज़रा सा मैंने फाउंडेशन लगाया था स्लाइट सा, बट वो भी मैंने हटा दिया था. तो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए. तो चलिए मिलते हैं फिर वहीं पहुँच के जल्दी से. ऐसे नहीं बोल बोल के पहले घर आए हैं और सबके सब घर पे बाहर बैठ के गप्पे शप्पे कर रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी गप्पे मार लूँ. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं गए थे और वहाँ हमने खाना खाया और वो क्या था मैं अभी आपको बताती हूँ. तो मेरे हस्बैंड को बड़ी बड़ी पार्टीज़ करने का इतना कोई शौक़ नहीं है, बट येस उन्हें इन बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है. हमने इस तरीके से पहले भी किया था. और ये बच्चे कौन थे मैं आपको बताती हूँ. 2 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ने किसी एक बहुत ही जो लोअर क्लास लोग होते हैं जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं होते हैं, उन बच्चों को वो हम लोग लेके गए थे. हमने उन्हें मूवी दिखाई थी, खिलाया पिलाया था और उन लोगों के साथ ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. तो इस साल भी मेरे और लास्ट ईयर भी ऐसा किया था और इस साल भी मेरे लास्ट ईयर लेकिन खाना खिलाया था सिर्फ, उन्हें घुमाने वगैरह नहीं लेके गए थे और वो भी बहुत सारे लोग नहीं थे, कम ही थे जिन्हें खाना खिलाया था हमने. इस साल मेरे हस्बैंड का कुछ टाइम से एक फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं. मतलब वहाँ पर वो जाते हैं रोज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिज़िक्स वगैरह पढ़ाते हैं एक 11th क्लास की बच्ची को और भी बच्चे हैं उन बच्चों को वो पढ़ाते हैं फिज़िक्स और मैथ्स. और ये वही बच्चे थे, मतलब इनमें से 4-5 बच्चों को पढ़ाते हैं वो. बट ये आज जो हम गए थे वो एक वीसा मोड़ करके एक ट्रस्ट है, वहाँ पर जो बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें पढ़ाने का, ये बच्चे वो होते हैं. तो काफ़ी सारे बच्चे थे, आई थिंक देवर 120 और 110, 110 या 120 बच्चे थे. तो उनको ये लोग ये लोग उन्हें अपने पास रखते हैं, छोटी क्लास से ही ले लेते हैं और 12th तक अपने पास रखते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ है और अच्छे से अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद उनको उनके घर पे वापस भेज देते हैं आफ्टर 12th. और इन बिटवीन इन लोगों को अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक हफ्ते में एक बार ही बात करने का अलाउ करते हैं लोग, और पेरेंट्स सिर्फ एक महीने में एक बार अपने बच्चे से मिलने आ सकते हैं और बच्चे वेकेशन पे ही अपने घर जा सकते हैं. तो ऐसा यहाँ पे है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का, एनवायरनमेंट सब कुछ मतलब काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छा लगा. बच्चे भी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि हु हल्ला शोर करना
बहुत चिल्लाना ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी अच्छे बच्चे लगे मुझे। तो ये इन लोगों का कॉन्सेप्ट ही, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों के साथ हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, इनको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर ये रखा था कि कैटर को बुला के और ये सब खाना वाना रखा हुआ था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब तक पहुँचे थे तब तक ज़्यादा बच्चे नहीं बचे थे, कम थे, क्योंकि उससे पहले ही बच्चे जो थे खाना खा चुके थे, हम लोग लेट हो चुके थे। और मेरे हस्बैंड तो सुबह पढ़ाने के लिए गए थे, तो इसीलिए उन्होंने स्टार्ट करा दिया था लंच, क्योंकि हम 12 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग को पहुँचते पहुँचते आई थिंक 1 से 1.5 बज गया था। तो बच्चों का टाइम होता है पर्टिकुलर वहाँ पर, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने लंच जो है काफ़ी बच्चों ने, आधे से ज़्यादा बच्चे खा चुके थे। फिर हम लोगों ने भी वहाँ जाके, हमारा भी प्लान था कि हम भी वहीं खाएंगे, तो हम सब ने भी वहीं खाया। और उसके बाद उन बच्चों से मिले भी, बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें भी, उनसे भी मिले और अच्छा लगा बहुत। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है पसीने की वजह से, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये साड़ी जो है ना, आपको मैं बता दूँ मैंने साड़ी क्यों पहनी थी, मैंने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, तो आज मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि वो पहले जा चुके थे वहाँ पर, तो इसलिए उनको सरप्राइज़ देने के लिए मैंने साड़ी पहनी थी, बहुत गर्मी लग रही है। बस अब मैं साड़ी को खोलने जा, कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वेदर हॉट है यहाँ पर। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना तो भूल गई, पर डोंट वरी अभी बता देती हूँ। आज रक्षाबंधन नहीं है, जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, वो बच्चे जो थे शायद तीनों के तीनों राखी बांध रहे थे, मतलब दोनों लड़कियाँ राखी बांध रही थी। तो उसमें से एक जो छोटी लड़की छोटी थी वो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, और जो बेटा और बेटी थी बड़े वो दोनों के दोनों मेरी जेठानी जो है उनके बच्चे हैं। तो वो लोग रक्षाबंधन इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ कहीं और रहती हैं और हम लोग कहीं और रहते हैं, और मेरे जो जेठ जी के बच्चे हैं वो दोनों के दोनों आउट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, और दोनों हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं वेकेशन पे, साल हम लोग वेकेशन पे इकट्ठे होते हैं। तो वो लोग भी जहाँ रहते हैं, एक जर्मनी रहता है स्टडी करता है, एक यूएस स्टडी करती है, दो तो हम सब लोग एक साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, मिनिमम एक बार होता है, कई बार दो बार भी हो जाता है। तो इसलिए रक्षाबंधन आने वाला है, और वो दोनों के दोनों राखी से रक्षाबंधन से पहले ही वापस जा रहे हैं। सो इसलिए हम लोगों ने, मतलब उन बच्चों ने रक्षाबंधन कर लिया ताकि जाने से पहले वो लोग राखी बांध पाए, क्योंकि 26 तारीख को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पे वो लोग हैं नहीं, तीनों के तीनों कोई भी नहीं है। सो इसलिए, और मेरी सिस्टर इन लॉ दोबारा आने वाली है, तो वो भी राखी से पहले ही आ रही है और राखी से पहले ही चली जाएंगी, तो वो जब दोबारा आएंगी तब वो रक्षाबंधन करेंगी, इसलिए वो रक्षाबंधन आज उन्होंने किया नहीं है। और तभी आप लोग सोच रहे होंगे यार रक्षाबंधन तो है नहीं, फिर ये लोग राखी क्यों बांध रहे हैं, तो मैंने सोचा इसलिए रीज़न बता दूं आप लोग को कि क्या रीज़न है, तो यही रीज़न था। सो चलो गाइस थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ, थोड़ा किचन का काम रह गया निपटा लूँ फटाफट, फिर गप्पे मारेंगे। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अब रात के बज चुके हैं 11 और बहुत लेट हो रहा है। आई नो मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। मैं अपने फेस को जो है अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं अपने फेस पे नेचुरल फेस पैक लगा चुकी हूँ, होममेड बनाया था मैंने। अगर उसकी रेमेडी आपने जाननी है कि मैंने क्या क्या डाल के उसे बनाया है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके पिंपल वगैरह में को कम करने में, और आपके फेस की जो इरिटेशन होती है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको उसका इंग्रेडिएंट्स जानने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं एक वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, मैं आजकल एक क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि है रूप मंत्रा की क्रीम है, जेल नहीं है वो, ज़ीरो पिम्पल वाला जेल नहीं है, इट्स अ क्रीम, पिम्पल वाली ही क्रीम है। उसका रिव्यू हो सकता है मैं इस वीडियो से पहले डाल चुकी हूँ या इस वीडियो के बाद डालूँ, आई डोंट नो, बट सीरियसली आई रियली 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 लव दैट क्रीम। वो क्रीम मेरी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, और जब पूरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद भी मैं उसको कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी क्रीम लगी है सीरियसली। उससे मेरे सारे फेस, मतलब मुझे रिजल्ट उसका काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट।